हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिया और काल से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो क्रिया देखते हैं। इसमें प्रश्न एक है, क्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिस शब्द से किसी काम या करने का या होने का पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम लिखता है, शोभा खेलती है, इन वाक्यों में लिखता है और खेलती है क्रिया हैं। प्रश्न दो, क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? इसका उत्तर है, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। काल, प्रश्न एक, काल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। प्रश्न दो, काल कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।